जी से संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अश्विनी वैष्णव जी, राजीव चंद्रशेखर जी, असम और गुजरात के मुख्यमंत्री, टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन, सीजी पावर के चेयरमैन बेलायन सुभैया जी, केंद्र, राज्य एवं इंडस्ट्री से जुड़े अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का ये दिन ऐतिहासिक है। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1,25,00,000 करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। गुजरात के धौलेरा और सारण में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। मैं सभी देशवासियों को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए, ये महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए, एक मजबूत कदम के लिए इस आयोजन को लेकर के बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम में ताइवान के हमारे साथी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं। मैं भी भारत के इन प्रयासों से काफी उत्साहित हूं। साथियों, इस अभूतपूर्व अवसर पर हमारे साथ देश के 60,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। मैंने मंत्रालय से विशेष आग्रह किया था कि आज का एक कार्यक्रम देश के नौजवानों के सपनों का कार्यक्रम है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं को जोड़ना चाहिए। आज का आयोजन भले ही सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत का हो, लेकिन भविष्य के भारत के असली स्टेक होल्डर्स अगर कोई है तो ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे युवा, मेरे नौजवान, मेरे स्टूडेंट्स, यही मेरी भारत की शक्ति है। इसलिए मेरी इच्छा थी कि भारत के छात्र इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी जरूर बने। आज वो देख रहे हैं कि भारत किस तरह प्रगति के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए चौतरफा काम कर रहा है।
इन प्रयासों से उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास से भरा युवा कहीं भी हो वो अपने देश का भाग्य बदल देता है। मैं इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से शामिल प्रत्येक छात्र का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत अनेक कारणों से पीछे रह गया था, लेकिन अब भारत इंडस्ट्री 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के नेतृत्व के इरादे से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक पल भी गंवाना नहीं चाहते और हम इस दिशा में कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, आज का ये कार्यक्रम इसका भी एक उदाहरण है। हमने 2 साल पहले सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करते हुए इनिशिएटिव लेने की घोषणा की। इसके कुछ ही महीनों में हमारे पहले एमओयू साइन हो गए और आज सिर्फ कुछ महीनों के भीतर हम 3 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कर रहे हैं। इंडिया कमिट्स, इंडिया डिलीवर्स एंड डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों, दुनिया के बस कुछ देश ही आज सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि दुनिया को एक रिलायबल और रेजिलियंट सपोर्ट सप्लाई चेन की सख्त जरूरत है। भारत इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। भारत पहले ही स्पेस, न्यूक्लियर और डिजिटल पावर है। आने वाले समय में हम सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट्स का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारत इसमें भी एक ग्लोबल पावर बनेगा। भारत अभी जो फैसले ले रहा है, जो नीतियां बना रहा है, उसका भी हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है, हमने कानूनों को आसान किया है। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस खत्म किए हैं। भारत में निवेशकों के लिए
एफडीआई के नियम भी आसान हुए हैं। डिफेंस, इंश्योरेंस और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में एफडीआई पॉलिसी को और लिबरल किया गया है। हाल के वर्षों में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग से उसमें भी अपनी पोजीशन को और मजबूत किया है। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए स्कीम्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हो, इन सभी में भारत ने इंसेंटिव्स देकर इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को तरक्की के नए अवसर दिए हैं। आज भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। कुछ समय पहले हमने नेशनल क्वांटम मिशन की भी शुरुआत की है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है। इंडिया एआई मिशन का भी तेजी से विस्तार होने जा रहा है। यानी हम सिर्फ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन नहीं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के रास्ते पर भी बढ़ रहे हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो वो हमारे भारत के युवा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कम्युनिकेशन से ट्रांसपोर्टेशन तक कई सेक्टर्स जुड़े होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भी इस इंडस्ट्री से कई बिलियन डॉलर का रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। यानी चीप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री मात्र नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर से न सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनते वाले हैं बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। आज दुनिया भर की सेमीकंडक्टर चिप के पीछे जो डिजाइन है और उस डिजाइन के पीछे का जो दिमाग है, वो दिमाग अधिकांश भारत के युवा का ही है। इसलिए आज जब भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो हम टैलेंट इकोसिस्टम की इस साइकिल को एक प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं। आज अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए युवा ये जानते हैं कि कैसे आज देश में उनके लिए नई नई संभावनाएं बन रही है, नए अवसर बन रहे हैं। स्पेस का सेक्टर हो, मैपिंग का सेक्टर हो, भारत ने अपने युवाओं के लिए इन सेक्टर्स को पूरी तरह खोल दिया है। हमारी सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो इंसेंटिव दिए हैं, जो प्रोत्साहन दिया है, वो अभूतपूर्व है। और इसी का कमाल है
कि इतने कम वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब आज के इस आयोजन के बाद सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी हमारे स्टार्टअप के लिए नए मौके बनने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि नई शुरुआत हमारी युवा पीढ़ी को एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब से जुड़ने की नई अपॉर्चुनिटी देगी। साथियों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। जब हम इस भावना के साथ नीतियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, तो नतीजे भी मिलते हैं। भारत अब पुरानी सोच और पुरानी अप्रोच ये छोड़ चुका है, बहुत आगे निकल गया है। भारत अब तेज गति से निर्णय ले रहा है, नीतियां बना रहा है। हम पहले ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कई दशक खो चुके हैं, लेकिन अब हमें एक पल भी गंवाना नहीं है और अब ऐसा नहीं होगा। भारत ने सबसे पहले 60 के दशक में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का सपना देखा था, इस बारे में सोचा था, लेकिन इस सपने के बाद भी, इस सोच के बाद भी तब की सरकारें उन अवसरों का लाभ नहीं ले पाई। इसके सबसे बड़े कारण थे इच्छा शक्ति की कमी, अपने संकल्पों को सिद्धि में बदलने के लिए प्रयास की कमी और देश के लिए दूरगामी फैसले लेने की क्षमता की कमी। इस वजह से वर्षों तक भारत का सेमीकंडक्टर बनाने का सपना बस सपना ही रह गया। उन दशकों में जो लोग सरकार में रहे वो भी सोचते थे कि अरे जल्दी क्या है, समय आएगा तब हो जाएगा। सरकारों को लगता था कि ये तो भविष्य की जरूरत है, इसका समाधान अभी क्यों करना। वो लोग देश की प्रायोरिटीज को भी बैलेंस नहीं कर पाए, देश के सामर्थ्य को भी समझ नहीं पाए। उन लोगों को लगा कि भारत तो गरीब देश है, भारत सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग जैसी हाईटेक चीज को कैसे मैनेज कर पाएगा। वो लोग भारत की गरीबी की आड़ में आधुनिक जरूरत के ऐसे हर इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज करते रहे। वो हजारों करोड़ के घोटाले कर लेते थे, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं कर पाए। ऐसी सोच के साथ किसी देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारी सरकार फॉरवर्ड लुकिंग सोच और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। आज हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में उन एम्बिशंस के साथ बढ़ रहे हैं जो विकसित देशों के साथ कॉम्पीट कर सके। हमारे देश की सारी प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा है। एक तरफ हम गरीबों के पक्के घर बनवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। एक तरफ हम विश्व का सबसे बड़ा सैनिटेशन मूवमेंट चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर भी आगे बढ़ रहा है। हम एक तरफ देश में
तेजी से गरीबी कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण कर रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। सिर्फ 2024 में ही अब तक 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर चुका है। कल ही हमने पोखरण में 21वीं सदी के भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की झांकी देखी। वो दिन पहले ही भारत ने, दो दिन पहले ही भारत ने अग्नि 5 के रूप में भारत को दुनिया के एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होते देखा। दो दिन पहले ही देश की खेती में ड्रोन क्रांति की शुरुआत हुई। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत हजारों ड्रोन महिलाओं को सौंपे गए। गगनयान को लेकर भी भारत की तैयारी और तेज हुई तेजी आई है। हाल में ही देश ने को अपना पहला मेड इन इंडिया फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर मिला है। ये सारे प्रयास, ये सारे प्रोजेक्ट्स भारत को विकसित होने के लक्ष्य के और निकट ले जा रहे, तेज गति से ले जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज के इन तीन प्रोजेक्ट की भी इसमें बड़ी भूमिका होगी। और साथियों, आप जानते हैं आज चारों तरफ एआई की भी उतनी ही चर्चा है। भारत की टैलेंट आज एआई की दुनिया में उसका बहुत बड़ा दबदबा है। आपने देखा होगा पिछले एक दो सप्ताह से मेरे जितने भी भाषण होते हैं, कुछ युवा नौजवान मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब हम आपकी एक एक बात हर भाषा में गांव गांव पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने एआई टूल का उपयोग किया और आज मेरा हर भाषण आप अपनी अपनी भाषा में कुछ ही समय के बाद सुनना शुरू कर दोगे। यानी किसी को तमिल सुनना है, किसी को पंजाबी सुनना है, किसी को बंगाली सुनना है, किसी को असमिया उड़िया जो भी सुनना है। ये एआई का कमाल ये मेरे देश के नौजवान कर रहे हैं और मैं तो ऐसी नौजवान टीम का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे लिए इतना बढ़िया एआई के जनरेटेड मेरी स्पीचेज को, मेरे भाषणों को हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन के साथ पहुंचाने का जो प्रयास किया है मेरे लिए बड़ा आनंद का, खुशी का विषय बना है। और देखते ही देखते सभी यूएन लैंग्वेजेस में भी हमारी बात एआई के माध्यम से पहुंचेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के नौजवानों का जो सामर्थ्य है उनको अवसर चाहिए। और ये सेमी कंडक्टर का हमारा इनिशिएटिव देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं हेमंता जी की इस बात से बहुत सहमत हूं कि नॉर्थ ईस्ट में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। हमने ये तय किया है और मैं तो मानता हूं साउथ ईस्ट एशिया से के साथ हमारा जो जुड़ाव बढ़ रहा है, तो मेरा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा ताकतवर क्षेत्र बनने वाला है। मैं साफ साफ इसको देख रहा हूं और मैं इसकी शुरुआत देख रहा हूं। तो मैं आसाम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आज सबसे ज्यादा शुभकामनाएं देता हूं, सबसे ज्यादा बधाई देता हूं। साथियों, आप सब ऐसे ही भारत की प्रगति को एक नई शक्ति देने के लिए जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मोदी की गारंटी आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है, आपको साथ देने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।